हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ये क्लास 8th चैप्टर सेकंड, क्रिएट अ फॉर्म फॉर द न्यू डेटाबेस। तो मेरा ना एक फॉर्म क्रिएट करना है, किस लिए? एक डाटाबेस के लिए। ओके, तो इसमें दिया है, ए फॉर्म इज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट विच अलाउज यू टू व्यू द डाटा वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, अनलाइक अ टेबल्स वेयर यू कैन व्यू द डाटा एज अ कंटिन्यूस लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो डाटाबेस तैयार करने के लिए क्या करते हैं, एक डाटाबेस तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड की तरह होता है। एट अ टाइम हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक ही रिकॉर्ड को हम, अगर कोई पर्सन आता है तो उसको हम दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है हमारा जो इसमें क्या करते हैं, जो एंटर डाटा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रपोज, बिकॉज इट अलाउ टू अस टू सी ऑल द फील्ड्स एंट्रीज इन अ सिंगल रिकॉर्डिंग एट वन टाइम। मतलब वन टाइम में जो उसके जो भी रिकॉर्ड हम देख रहे हैं उसकी क्या है, सारी फील्ड्स ओपन हो गया जाती हैं, जिससे कि हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट टैब बटन पर क्लिक करते हैं, रिबन बटन पर, क्रिएट रिबन बटन पर। तो क्या होता है, फॉर्म विजार्ड टूल्स का होता है ओपन हो के ओपन हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, डिजाइंस बनी होती हैं, तो हमें क्या करना है, डिजाइंस में से फॉर्म बेस्ड ऑन द फील्ड्स एंड डाटा टाइप्स यू हैव सिलेक्टेड, मतलब जो फील्ड्स दिए हैं कौन कौन से उसमें होने चाहिए, उस पर क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन द डबल एरो आइकन। तो हमें करना है डबल एरो आइकन पर क्लिक करना है, तो हमारे जितने भी 19 फील्ड्स हैं वो क्या होंगे, अक्रॉस टू द सिलेक्ट फील्ड्स में क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब अवेलेबल से होके यहाँ सिलेक्टेड में पहुँच जाएंगे। तो हमें करना है, फिर करना है कि नेक्स्ट क्लिप पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विजार्ड नाउ एस आस्क व्हाट लेआउट यू वांट फॉर्म द न्यू फॉर्म। तो हमारा क्या होगा, एक न्यू फॉर्म क्रिएट होगा। इसमें क्या दिया है, ठीक है, कॉलमुलर दिया है, रेडियो बटन पर करना है, सिलेक्ट करना है, फिर करना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, मतलब हमारी क्या होगी, नेक्स्ट इमेज हमारी ये होगी, फिर करना है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा, उसमें क्या है, विजार्ड आस्क यू टू नेम द न्यू फॉर्म। हमें करना है, इसमें जो फॉर्म दिया है इसका करना है नेम देना है इसका, तो हम इसका नेम दे देंगे। नेम देने के बाद क्या होगा, टाइप द नेम में क्या करना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फॉर्म, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फॉर्म, रेडियो बटन पर क्लिक करना है। ये हमारा क्या है, रेडियो बटन दिया है, इसमें दिया है ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन। जैसे हम इस पर रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्या करना है, बटन दबाना है, ओके करना है। तो हमारे क्या, एस एज नाउ डिस्प्लेज द विजार्ड डिफॉल्ट लेआउट फॉर्म द फॉर्म। तो हमारी क्या है, हमारे सामने ये कि लेआउट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, क्लिक राइट क्लिक टू स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म टैब, मतलब हम यहाँ करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ बच्चों के रिकॉर्ड फिल कर देंगे। क्या करना है, फिर उसका सेव बटन पर क्लिक करना है, तो ये हमारी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। इसमें दिया है विंग द डाटा इन द डाटा बेस, तो मतलब हम डाटा बेस को कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हेयर आर सम ऑफ द वे टू मूव अबाउट इन अ डाटा वे डाटा बेस एस एस मेक्स इन ईजी फॉर यू टू गेट अराउंड, टेक अ फ्यू मोमेंट टू मूव फॉर फाइल्स टू फाइल फाइल टू फाइल एंड फॉर्म रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड, ट्राई दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्लिक एनी वेयर इन द डाटा बॉक्स नेक्स्ट टू अ फाइल नेम। तो हमें करना है डाटा बॉक्स पर क्लिक करना है और उसमें करना है फाइल नेम पर क्लिक करना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एडिट होके आ जाएगी, इसमें क्या होगा, एडिट डाटा इफ़ नीडेड, जो एडिट होके आएगी तो उसमें करना है, उसमें हम डाटा को फिट करें। फिट करने के लिए क्या है, हिट द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड
फील्ड इन द सम रिकॉर्ड, ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड दिए, ठीक है, ये नंबर 1 to 50 तक क्या है इसमें रिकॉर्ड दिए हैं, ये हमारे पास क्या दिया, सर्चिंग को ऑप्शन दिया है। सेम फाइल टू इन द नेक्स्ट प्रीव्यू रिकॉर्ड, क्लिक ऑन द लेफ्ट और राइट एरोस इन द नेविगेशन टूल एट द बॉटम फॉर द फॉर्म विंडोज़। मतलब अगर हमने 50 स्टूडेंट की क्या ये रिकॉर्ड बनाया है फाइल का, ठीक है, ये शो फर्स्ट रिकॉर्ड और ये क्या है शो लास्ट रिकॉर्ड, बीच में हमें जो चेक करने के लिए क्या है इसमें क्या है नंबर दिए हैं, शो नेक्स्ट रिकॉर्ड शो प्रीव्यू रिकॉर्ड। मतलब अगर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाएंगे तो क्या होंगे नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 रिकॉर्ड हमारे सामने ओपन होंगे। अगर हमें 2 3 देखने हैं तो हमें करेंगे प्रीव्यू रिकॉर्ड पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे, और हमें अगर न्यू मतलब 50 से 51 बनाना है तो क्या है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड तो क्या करेंगे इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे क्या हो गए 50 से 51 रिकॉर्ड ओपन बन जाएगा न्यू। तो ये सब क्या आपके ये फाइल रिकॉर्ड करने के एसेस है। तो ये क्या आपका चैप्टर 2 इस कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।